मेरा नाम नासिर काजी है, मैं कोल्हापुर से आया हूं और थैंक्स टू द बिट वर्ल्ड वाइड कि मुझे मौका मिल रहा है आप लोगों की सेवा में यहां खड़ा रहने का। मैं अपने आप को एक ब्रिट का सेवक समझता हूं। वैसे मैं जन्मा हूं कोकण में, लेकिन कोल्हापुर में सेटल्ड हूं, कोकण एरिया में। इस बिजनेस में मुझे कहां कहां लेके गया मालूम नहीं मुझे, लेकिन आज जो कुछ यहां आया हूं मैं थैंक्स कहता हूं ऊपर वाले का जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के लिए चुना। कैसे चुना आप सुनेंगे आज। ऊपर वाले पे भरोसा हो, ऊपर वाले का साथ हो तो दुनिया में कुछ चीज नामुमकिन नहीं है। इसीलिए मैं शुरू करने से पहले हमेशा एक प्रेयर करता हूं अपने आप के लिए, ओ गॉड ईज माई माइंड एंड रिलीव माई टेंशन एंड रिलीज अ नॉट ऑन माई टंग सो दैट पीपल सिटिंग बिफोर मी माइट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू देम। एक पत्ता भी नहीं हिलता उसके सिवा। और शुक्रगुजार हूं मैं इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड का। क्या बताऊं बिल ब्रिट, मुझे मालूम नहीं ऊपर वाले ने बिल ब्रिट को इस दुनिया में क्यों पैदा किया है, लेकिन जरूर कुछ बहुत बड़े मकसद से इस दुनिया में बिल ब्रिट को लाया है। मैं तरस रहा हूं उनको देखने के लिए इन पर्सन, मिलने के लिए इन पर्सन, और शायद वो जब आएंगे मेरे सामने आ जाएंगे मेरे मुंह से लफ्ज भी नहीं आएगा। जिस तरह से एक ऑर्केस्ट्रा बजता है स्टेज पे, कोई यहां पे तबला बजाता है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई और ऑर्गेनाइजर बजा रहा है, कोई कैसियो बजा रहा है, और सबका म्यूजिक मिक्स होके एक सुरमधुर संगीत बजता है, उसी तरह से 40-50 देशों में लोग अपना अपना काम कर रहे हैं इस ब्रिट सिस्टम में, और एक सुमधुर संगीत बन रहा है जिसका नाम है ब्रिट सिस्टम। ये पूरे दुनिया को एक राह दिखा रहा है। मैं ये नहीं मालूम मुझे कि कैसे बिल ब्रिट इंडिया में आ चुके हैं कि नहीं चुके, लेकिन भारतीय संस्कृति से निगड़ित ऐसे कुछ उसूल, ऐसे कुछ तत्व इस बिजनेस में डालना, अमेरिकन आदमी ने अमेरिका में रह के, ये कुछ ना कुछ तो उनका हमारा पुराने जन्म का संबंध जरूर रहा होगा। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे इस ब्रिट सिस्टम से सीखने मिला। मैं इस ब्रिट सिस्टम का प्रोडक्ट हूं। मैं 100% ब्रिट सिस्टम को लॉयल हूं, वफादार हूं, कि ब्रिट सिस्टम को वफादार होना वही मेरी जिंदगी की सिक्योरिटी है, वही मेरे बच्चों की सिक्योरिटी है, वे वही मेरे बच्चों की सिक्योरिटी है। मैं शुक्रगुजार हूं बहुत सारे लोगों का इस बिजनेस में, मेरे अपलाइंस जिसमें द ऑसम द ग्रेट लीडर मेरे मेंटर मेरे गाइड डॉक्टर बलदेव तनेजा। आपने कभी सोचा है आप भुवनेश्वर में रहते हैं, आप यहां से छोड़ के शायद कलकत्ता भी नहीं जाएंगे बिजनेस बिल्ड करने के, लेकिन बलदेव तनेजा ने देश छोड़ दिया है, अमेरिका छोड़ छाड़ के बच्चों को लेके पूरा बंद करके यहां आए हैं क्योंकि हमको उनकी जरूरत थी, उनकी टीचिंग की जरूरत थी। ही इज इन इंडिया। और मैं शुक्रगुजार हूं हमारी ग्रेट अपलाइन नलिनी शेट्टी का, जिनकी वजह से मेरी वाइफ फरजाना मोटिवेट हो गई है, और फिर जॉन पिकरेली एंड मेरी जेन पिकरेली, जिम एंड क्लेयर डुसेक, और जिसका नाम भी मुंह में लेने के लिए मुझे कुछ तो होता है, द अल्टीमेट हीरो ऑफ एमवे बिजनेस जॉन एंड जेनिबल क्रो। इन सब की वजह से मैं अकेला नहीं हूं यहां पे, मैं एक प्रोडक्ट हूं इस सिस्टम का, इस सब लोगों का, इन सब लोगों के मिश्रण सा। मैं आज आपको अपने बारे में बताऊंगा, आज मेरी स्टोरी आपको बोलने का चांस मिल रहा है, लेकिन एक चीज जरूर है, आप लोगों की स्टोरीज मुझसे बहुत अच्छी होने वाली है, और मैं एक दिन वहां बैठ के आप लोगों की स्टोरीज जब आप स्टेज से बताएंगे तब मैं सुनने वाला हूं। मैं यही होप दिलाने आया हूं कि अगर हम कर सकते हैं तो यहां बैठे हुए 3000 लोग, एक के एक लोग सब एमरल्ड डायमंड हो सकते हैं, कुछ नामुमकिन नहीं है, तो बताएंगे। लेकिन पहले इंडियन लोग शर्माते हैं ना बीवी का नाम लेने के लिए। अभी ब्रिट सिस्टम में आके हम बोल्ड हो गए जरा। फरजाना, उनके मुंह से सब सुनो, शी इज द पावर बिहाइंड माई सक्सेस। बहुत देर से बिजनेस शुरू किया लेकिन बहुत जल्दी पिकअप किया। शी इज द ग्रेट सर्वर ऑफ द ब्रिट सिस्टम। कृपया करके
मेरी वंडरफुल वाइफ, मेरी क्राउन फरजाना को जोरदार तालियों से वेलकम करो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं पीस बी अपॉन यू, मेरा नाम है फरजाना काजी, वाइफ ऑफ नासिर काजी। आज भुवनेश्वर में आकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि ये हमारी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि हम भुवनेश्वर आए और भुवनेश्वर के लोगों का एक सपना था कि हम उनके लिए आके यहाँ पर सेमिनार ले लें, और हम शुक्रगुजार हैं इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड का जिन्होंने हमको यहाँ पर मौका दिया, इस काबिल समझा कि हम यहाँ पर आकर आप भुवनेश्वर के लोगों को बहुत कुछ सिखाएं। हम दोनों की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार, और आप सबों को आज के सेमिनार के लिए हम वेलकम कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने बारे में आपको बताएंगे कि इस बिजनेस को हमने कब, क्यों और कैसे शुरू किया, इस बिजनेस में क्या चैलेंजेस हमने फेस की, किस तरह से हमको इस बिजनेस में कामयाबी मिली, और उसके बाद नासिर कुछ टीचिंग्स आपको देंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम है कोल्हापुर के, ये पुणे और बेंगलोर के बीच में आता है, महाराष्ट्र में है, मगर मैं बेसिकली ओरिजिनली मुंबई से हूँ। मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, मैंने ग्रेजुएशन किया है बीए से, और मैं एल्फिंस्टन कॉलेज में मुंबई में मैंने पढ़ा है, और मेरे तीन भाई हैं, दो मुंबई में रहते हैं, एक गोवा में रहता है, और एक बहन है जो दुबई में रहती है। चारों भी इस बिजनेस में नहीं थे, फिर भी हम एमरल्ड हो गए। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि आपके बहन भाई इस बिजनेस में नहीं आए, कोई बात नहीं, उनको कुछ मौका दे दीजिए, उनके लिए वक्त सही नहीं है, जब वक्त सही होगा तब वो इस बिजनेस में आएंगे। जब हमने इस बिजनेस को 3 साल पहले शुरू किया 1998 में ही एमवे बिजनेस इंडिया में आया। नासिर वकीली कर रहे थे, मैंने नासिर से हमेशा कहा कि जो कुछ भी तुम तो पैसा काफी बना लोगे इस प्रोफेशन से, मगर प्रोफेशन के साथ साथ तुम इतना इज्जत बनाओ, इतनी तुमको नाम मिलना चाहिए कि इस दुनिया में जीना तो आन बान और शान से जीना। ये तो मैंने उनसे कह दी थी। जब हम दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चालू था, तब तीसरा एक कोई सुन रहा था, वो था खुदा, जो हमको सुन रहा था, और उसने हमारे सामने एमवे बिजनेस को लाकर रख दिया। मैंने अपने माँ से बहुत सीखा है कि सबर कैसे किया जाता है। मेरी मम्मी मुझे हमेशा सिखाती रही है कि बेटा जिंदगी में हमेशा हर कदम पे सबर किया करो, सबर का फल बहुत मीठा होता है। ये बातें उनकी ध्यान में रख के मैंने इस बिजनेस को देखा। एमवे बिजनेस जब हमको 1998 में मिला, तब नासिर अमेरिका से इस बिजनेस को हमारे पास लेकर आए, और मेरे पास कहने लगे कि बहुत अच्छा बिजनेस आया है, हमारे सारे तकलीफें दूर हो जाएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे, ये सब कहने लगे। तो नासिर मुझे यही कहते थे कि ये बिजनेस जो है, इसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो तुमको मेरा इस बिजनेस में साथ देना बहुत जरूरी था। अब मैं थी एक हाउस वाइफ, हमारे दो बच्चे हैं जिशान और जमान, दोनों छोटे थे, बस सारा दिन उस बच्चों में मशगूल रहती थी, उनकी पढ़ाई लेना, उनको स्कूल की तैयारी करना, खाना पकाना, बस यही मेरी यही एक जिंदगी बन गई थी। बच्चों को छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाती थी, और किसी से मिलना जुलना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं बहुत ही रिजर्व थी, क्योंकि मेरे में थोड़ी एक इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गई है कि लोग क्या कहेंगे, इनको अभी तक कुछ कामयाबी नहीं मिली है, टैलेंट था, सब कुछ था, तो लोगों से मैं ज्यादा मिक्सअप नहीं थी। और एमवे बिजनेस ऐसा है कि लोगों का बिजनेस है, जहां पर आपको लोगों से बात करनी हो, तो नासिर अक्सर मुझे कहा करते थे कि तुमको आना होगा, मीटिंग्स में अटेंड करना होगा, देखना होगा कि बिजनेस कैसे होता है। बहुत बुलाए उन्होंने, लेकिन मैं कभी नहीं गई देखने के लिए। वो मुझे इतना रिक्वेस्ट करते थे कि मैं तुमको प्लीज कहता हूं कि बिजनेस देखने आओ, क्या है, काफी लेडीज बिजनेस में इंटरेस्ट ले रही है, तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। वो प्लीज प्लीज कह के मेरे से बात करते थे, और फिर मैंने एक दिन रहम खाकर कहा चलो जाएं देखे तो सही क्या है करके। हमारी एक छोटी सी ऑफिस थी, उसमें 10-15 लोग एक वक्त में बैठ जाते थे, तो ऑफिस में ये प्लान दिखाया करते थे, 10-15 लोग आ जाते थे बिजनेस में, मैं तो सिर्फ यही देखती थी कि कितने लोग आए हुए हैं, यही गिनती थी मैं उन लोगों को,
बिजनेस क्या है ये बिल्कुल मैं ध्यान नहीं देती थी और किसी भी तरह एक घंटा उसमें निकल जाता था, फिर घर चली जाती थी। नासिर खुश हो जाते थे कि मैं आई, लेकिन मैं किसी से बात भी नहीं करती थी कि आपको बिजनेस में क्या अच्छा लगा, आपने जो कंसेप्ट देखा उसमें आपको क्या अच्छा लगा, ये किसी से बात भी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे बिजनेस करना ही नहीं था। मुझे लगता था कि नासिर बहुत ही टैलेंटेड है, वो अकेले इस बिजनेस को संभाल लेंगे। ऐसे ही होते होते पहले ही महीने में ऑल ओवर इंडिया में 316 लोग सिल्वर प्रोड्यूसर हो गए, उसमें कोल्हापुर से नासिर भी थे। वो ऐसे वक्त में सिल्वर प्रोड्यूसर हुए जब मैंने उनको बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। काफी लोग बिजनेस में आए, काफी लोगों ने मजाक भी उड़ाया, काफी लोगों ने हंसी भी की कि ये अच्छी खासी वकीली छोड़कर क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं, कुछ स्कीम लेकर आए हैं, कुछ मेंबर्स बना रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त वो स्कीम्स वगैरह का बहुत चला हुआ था, तो लोगों को यही लग रहा था। काफी लोगों ने हंसा, जिनके थोड़ी वो समझ में आ गया वो बिजनेस में आ गए कि चलो देखें चांस तो ले लें। फिर ऐसा हो गया जब हम सिल्वर प्रोड्यूसर हो गए तो हमको एमवे ऑफिस से, मुंबई से एक लेटर आया कि आप दोनों को पिनिंग सेरेमनी की जाने वाली है मुंबई में, आपको वहां पर आना होगा। उस वक्त सिल्वर्स बहुत ही कम थे तो उन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया था। उस वक्त सिल्वर को स्टेज पे बुलाकर पिन्स दिया जाता था, तो हम वहां पर गए। मैं तो पहले जाने के लिए तैयार नहीं थी, फिर मैंने सोचा चलो इस बहाने अपने मम्मी के यहाँ दो दिन रहने तो मिल जाएगा, तो वो सोचकर मैं मुंबई गई। और जब मैं वहां पर गई तो मैं मुंबई में पाटकर हॉल में हमको पिनिंग सेरेमनी की जाने वाली थी, तो मैं वहां गई तो ऐसे ही हजारों लोग वहां पर बैठे हुए थे और लोग एक्साइटेड हो रहे थे, उछल रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि दूसरों की कामयाबी में ये लोग इतने क्यों खुश हो रहे हैं, ऐसा तो कहीं होता नहीं है कि कोई कामयाब हो और लोग खुशियां मना रहे हो, ऐसा तो कोई होता नहीं है। फिर ऐसा हुआ कि 3% थे, 6% थे, इन लोगों को स्टेज पर बुलाया जाने लगा, ये लोग भी कुछ कहते थे और चले जाते थे। होते होते 21% को स्टेज पर बुलाया जाने लगा, वो आए स्टेज पर कुछ कह के चले गए, और ऐसी एक कतार बनाई गई जहां पर सिल्वर प्रोड्यूसर्स एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सिल्वर प्रोड्यूसर्स कपल्स को स्टेज पर बुलाया जाने लगा, वो दोनों कुछ कहते चले जाते। मैंने नासिर के कान में आहिस्ते से पूछा, हम लोग कितने परसेंट पे हैं? अब यकीन मानिए हम सिल्वर प्रोड्यूसर हो गए, परसेंटेज यानी क्या ये मुझे पता भी नहीं था। नासिर ने मुझे कहा चुप करो, मेरे पीछे पीछे आओ। मैं घबरा गई कि अब अगर मैं स्टेज पर गई, लोगों ने मेरे हाथ में माइक दिया तो मैं क्या बोलूंगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, हलक सूख गया, मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं कोलैप्स हो जाऊंगी और गिर जाऊंगी। हिम्मत करके, बहुत ही हिम्मत करके स्टेज पर गई, हमको पिन दिया गया, लोगों ने स्टैंडिंग क्लैप्स हमको दिए, ये सारा नजारा देख ली मैंने और कांपने लगी, अंदर ही अंदर कांपने लगी कि अब नासिर के हाथ में माइक है, अब मेरे हाथ में आ जाएगा। लेकिन नासिर बहुत ही होशियार है, उन्होंने मेरे हाथ में माइक नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था इसके हाथ में माइक दे दूंगा तो ये कुछ भी बक देगी। जब हम स्टेज से नीचे उतरे, काफी लोगों ने नासिर को घेर लिया और कहने लगा कि वाह आपने तो बहुत ही कमाल किया, कोल्हापुर में छोटे से टाउन में आप सिल्वर प्रोड्यूसर गए, वो भी एक महीने में, ये आपने कैसे किया? नासिर ने उनसे कहा, इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट, गो डायमंड। मेरे पास काफी लेडीज दौड़ती हुई आई, आपने कमाल कर दिया, ये बिजनेस एक महीने में कर दिया। मैंने भी उनसे यही कहा, इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट, गो डायमंड। उनको क्या मालूम मुझे कुछ आता जाता नहीं है। तो इस बिजनेस में आपका पोस्चर स्ट्रांग रखना चाहिए, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो चेहरे से बिल्कुल बताना नहीं चाहिए कि आपको कुछ आता नहीं है। बस शुरू से मेरा पोस्चर स्ट्रांग रहा है, इतना मैंने काम कर ली हूं कि अपने आप में पोस्चर स्ट्रांग रखी हूं। तो ये ऐसे वक्त में आया हमारे जिंदगी में जब हमारे ऊपर 10-15 लाख का कर्जा था। मैं शुक्रगुजार हूं उस खुदा की जिसने उसके हुक्म से जेवन एंडल और रिच डिवोर्स ने एमवे बिजनेस को बनाया। मैं शुक्रगुजार हूं उस खुदा की जिसने हमें इस बिजनेस में कामयाबी अता फरमाई। अगर एमवे बिजनेस नहीं होता तो मुझे नहीं मालूम हम कहां होते आज।
हमारे बच्चे हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, इनका क्या होता हम नहीं जानते। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो हमको फाइनेंशियल फ्री करके दिखाता। यही वो एमवे बिजनेस है जिसने हमारी पूरी लाइफ बदल दी है। बिजनेस को करने के लिए काफी चैलेंजेस आई। चैलेंजेस तो जिंदगी का दूसरा नाम है। चैलेंजेस हर जगह पर आती है। आप कोई और भी बिजनेस शुरू करो, जिंदगी में कुछ भी करना चाहो, चैलेंजेस कहीं ना कहीं आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। सक्सेस उसी वक्त होता है जब आप चैलेंजेस को फेस करो, चैलेंजेस के से गुजरो आप, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप चैलेंजेस से घबराते हैं, अगर समस्याओं से आप घबराते हैं और पीछे हटते हैं, तो आप बुजदिलों में गिने जाओगे। हम दोनों एक पहाड़ की तरह मजबूत खड़े रहे। जब हमारी पिनिंग सेरेमनी हो गई, हम घर वापस आ गए, उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मेरे कानों में वो तालियों की आवाज गूंजने लगी और मैंने कहा कि यही वो एमवे बिजनेस है जो मुझे रिकग्निशन देगा जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने बिजनेस में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। पूरी तरह से नहीं आई थी, मगर थोड़ा थोड़ा बिजनेस में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करने लगी। अब पहले महीने में हम सिल्वर प्रोड्यूसर तो हो गए, काफी लोग हमारे बिजनेस में आए, लेकिन उनका जो फेथ लेवल तो जो था, खुद पर विश्वास और कंपनी पर जो विश्वास था, वो बहुत ही कमजोर था। 100% नहीं था उनका। उनका विश्वास डगमगाने लगा। वो एक लीटर की बॉटल, वो भी 6 प्रोडक्ट्स, ये देखकर घबरा गए। उनका विश्वास डगमगाने लगा कि कंपनी 6 प्रोडक्ट्स पे इंडिया में नहीं टिकेगी। हम उनसे कहते थे सबर करो, आपको और भी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि नासिर मैं अमेरिका में देखकर आए थे कि काफी कुछ प्रोडक्ट्स है। वो कहते थे कि सबर करो, मैंने देखा है एमवे कंपनी बस अभी स्टार्ट हो गई है, बहुत कुछ है। लेकिन लोगों में सबर नहीं था। काफी लोगों ने ब्रिट को चैलेंज किया कि हम ब्रिट फंक्शंस में नहीं आएंगे, वहां पर बहुत खर्चा होता है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, जो कुछ भी हमने सीखना है हम यहीं सीखेंगे। लोगों को कन्विंस करने आ गया, यानी बिजनेस आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बिजनेस में बहुत सी छोटी छोटी बातें होती है जो सीखनी पड़ती है। एमवे बिजनेस छोटी छोटी बातों से बना हुआ है। बड़ी बड़ी बातें नहीं करने, बड़े बड़े काम नहीं करने, छोटे छोटे काम करने, जो ब्रिट हमको सिखाता है। तो ये ब्रिट फंक्शंस के लिए वो आने के लिए तैयार नहीं हुए। कैसेट्स उस वक्त अमेरिकन कैसेट्स थी, इंग्लिश कैसेट्स थी। वो कहते थे हमें इंग्लिश नहीं आती, हम नहीं कैसेट सुन सकते, और कैसेट परचेज नहीं करते थे। तो ऐसे करते करते लोग क्विट होना शुरू कर दिए। फर्क कुछ हमको नहीं पड़ा, हम मजबूती से एक पहाड़ की तरह खड़े रहे। जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको हमने फेस किया। हम 16,000 पॉइंट से 2,000 पॉइंट पे आ गए। आप यकीन मानिए, बाकी सारे क्विट कर दिए। नासिर दिन रात मेहनत करते थे, हर किसी को बताते कि ये एक सही बिजनेस है, ये हक का बिजनेस है, ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ आपको चेंज कर देगा, आपकी लाइफ बदल देगा, इसको बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए। मगर किसी ने नहीं समझा। हर कोई उनको हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा। जब ये सब मैंने देखा तो मैंने कहा कि नासिर को कोई मदद करे या ना मदद करे, मैं तो इनको जरूर मदद करूंगी और इस बिजनेस को हम सारे हिंदुस्तान में पहुंचा देंगे। हमने इस बिजनेस को कोल्हापुर में शुरू किया। उस वक्त हमारी अपलाइन बलदेव तनेजा यूएसए में थे, उन्होंने हमको हमेशा वहां से गाइड किया। उन्होंने हमसे कहा कि आप होम मीटिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए, होम मीटिंग से एक एक व्यक्ति को इस बिजनेस में लाने की कोशिश कीजिए। हमने वही किया जो हमारी अपलाइन ने हमको कहा। अगर आपकी अपलाइन आपके साथ यहां पर नहीं है तो कोई दुख मनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास फंक्शन है, आपके पास बड़े बड़े लीडर्स यहां पर आ रहे हैं जो आपको सिखा रहे हैं इस बिजनेस को कैसे किया जाता है, उनसे सीखिए। हमने भी यही किया। मुंबई जाने लगे, वहां से हमने बड़े बड़े लीडर्स से सीखना शुरू किया इस बिजनेस को कैसे करना है। चैलेंजेस तो बहुत आए, चैलेंजेस से हम पार हो गए, कर्जे से छुटकारा मिल गया, हमारी एक लाइफ अच्छी बन गई है। हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, खुद पर खर्च करते हैं, चैरिटी करते हैं, बच्चों पर खर्च करते हैं, इतना करते हैं जो चाहे वो हमको आज मिल जाता है। आज इस ब्रिट ने हमें
इतने सारे 1 लाख के टिकट्स दिए हुए हैं। हमने पटना में सेमिनार लिया, सिलीगुड़ी में सेमिनार लिया, आज भुवनेश्वर में आए, इसके बाद हम गुवाहाटी जाने वाले हैं। तो इतने सारे हमारे पास प्लेन के टिकट्स आए हुए हैं। तो जिन लोगों ने हमको ना बोला वो आज कोल्हापुर में ही बैठे हुए हैं और हम आपके सामने भुवनेश्वर में आए हुए हैं। आप खुद को 5 साल का वक्त दीजिए इस बिजनेस में। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करके अपने आप को 5 साल का वक्त दीजिए। यह बिजनेस आपकी जिंदगी बदल देगा। जिस तरह से हमें कामयाबी मिली है उस तरह से आपको भी कामयाबी मिलेगी। मुझे याद आता है कि हम किस तरह से प्लान दिखाया करते थे। हमारी एक चेतक स्कूटर है। यहां है कि किसी के पास चेतक स्कूटर? वाओ, बहुत सारे लोगों के पास है। बहुत ही अच्छी स्कूटर है, मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि हम लोग काफी दूर दूर तक उस स्कूटर पे गए हुए हैं। 83 का मॉडल है, काफी बूढ़ी हो चुकी है, रंग निकल गया है, सीट फट गई है, फिर भी हम इस फटी हुई स्कूटर पे एमरल्ड गए हैं। ना सिर्फ स्कूटर चलाते थे, पैर के पास प्रोडक्ट्स की बैग रखते थे, मैं पीछे बैठती थी बोर्ड पकड़ के और घर पे हम लोगों के जाते थे अपॉइंटमेंट लेकर और उनको वहां पर जाके प्लान दिखाते थे और उनके ड्रीम्स को टच करते थे कि ये वो बिजनेस है जो आपके सारे सपनों को साकार करेगा। आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलेगी, आपके पास बंगले आएंगे, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा वगैरह वगैरह। हम बहुत कुछ उनको बोलते थे। प्लान हो जाने के बाद वो जब हमको जाते हुए देखते थे कि ये फटी हुई स्कूटर पे आ रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जाएंगी, इनकी गाड़ी कहां है? हमसे कहने लगे, खासकर इनके दोस्त इनसे कहने लगे कि पहले आप गाड़ी ले लो फिर हम इस बिजनेस में आते हैं। लेकिन हम कैसे लोगों को समझाते फिरेंगे हमारे पास 10-15 लाख का कर्जा है, ये कर्जा फेरना हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमारा शॉर्ट टर्म जो ड्रीम है वो कर्जा फेरना है, फिर फैमिली है और बाकी गाड़ी बंगले तो ये सब आते ही रहेंगे। ये कैसे हम लोगों को समझाते फिरते? हर एक को तो नहीं बता सकते थे, लेकिन लोगों ने इस तरह से हमसे कहा। हम डटे रहे, हमारा जो काम था प्लान दिखाना वो हमने उनको दिखाते रहे। जब हम एमरल्ड हो गए तब हमारे गुरु हमारे बलदेव तनेजा हमारे स्पॉन्सर उन्होंने हमको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि अब आप गाड़ी खरीद सकते हैं और हमने पहली गाड़ी खरीदी इंडिका कार। वो स्कूटर अभी तक हमने रखे हैं, एक मिसाल बना के रखे हैं कि हम हमारी डाउनलाइन को दिखा सकें कि अगर हम स्कूटर पे एमरल्ड जा सकते हैं तो आप भी, आपके पास जो कुछ भी व्हीकल है उस पर आप जा सकते हो। अब हमारे पास गाड़ी आ गई, हमने एक ड्राइवर भी रख लिया है। अब मैं उस ड्राइवर को लेकर कहीं भी प्लान दिखाने चली जाती हूं। मैं बोर्ड रखती हूं गाड़ी में, प्रोडक्ट्स की एक बैग रखती हूं, कुछ लिटरेचर कैसेट्स वगैरह रखती हूं और लोगों के घरों में प्लान दिखाती हूं। मेरा ड्राइवर मेरी मदद करता है बोर्ड निकाल के उनके घर में लेकर जाना, रखना और प्रोडक्ट्स की बैग रखना, लिटरेचर वगैरह रखना। जब प्लान खत्म हो जाता है तो वो सारी चीजें वापस गाड़ी में लाके रखता है, ये मेरी मदद करता है वो। तो लोग जब देखते हैं तो कहते हैं कि मैडम आपके पास तो गाड़ी है, आपके पास ड्राइवर है, आपके लिए तो बहुत ही आसान है ये बिजनेस करना क्योंकि ये सब चीजें आप लेकर घूमती हैं क्योंकि आपके पास गाड़ी है, हमारे पास तो ये नहीं, हम नहीं कर सकते। मैं सोच में पड़ रही हूं कि जब हमारे पास स्कूटर थी तब भी लोग कहते थे भाई आपके पास पहले गाड़ी आ जाने दो फिर हम बिजनेस करेंगे। अब हमारे पास गाड़ी आ गई तो लोग कहते हैं ये आपके पास गाड़ी है तो ही आप ये बिजनेस कर रहे हैं। तो लोगों की आदत है ढोल की तरह दोनों तरफ बजते हैं, बजने दो उनको। आप जिस हाल में हैं उस हाल में इस बिजनेस को करो, चाहे आप चलकर इस बिजनेस को करो, चाहे साइकिल पे करो, चाहे 2 व्हीलर पे करो, 4 व्हीलर पे करो, आपके सपने मजबूत होना चाहिए। आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए आप सोचिए। दुनिया कुछ भी कहे, जिस तरह मैंने और नासिर ने मिलकर इस बिजनेस को कोल्हापुर से शुरू किया और पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा दिया, उसी तरह आप भी जिस गांव में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, वहां पर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो क्योंकि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। खुद पर
पर विश्वास चाहिए आपको, कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, कंपनी पे विश्वास चाहिए, कंपनी कुछ भी कर सकती है। आपको सिर्फ 6 लोगों की जरूरत है इस बिजनेस में जो आपको डायमंड बना सकते हैं। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन काफी है, 6 लोग मिलना मुश्किल नहीं है। लोग देखते हैं कि काफी पैसे इस बिजनेस में मिल रहे हैं, उनको लगता है कि रातों रात ये सब हो जाता है, रातों रात कुछ नहीं होगा। 1 महीने की बात नहीं, 2 महीने की बात नहीं, आप अपने आप को 5 साल का वक्त दीजिए। ये बिजनेस आपको कहां से कहां ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एमवे बिजनेस ऐसा है कि आपको बहुत रिवॉर्ड देगा, बहुत ही रिवॉर्ड देगा। आप जो कुछ भी काम करते हैं उसमें आपको रिवॉर्ड भी बहुत मिलता है। सबसे अच्छा रिवॉर्ड जो है ये इनकी ट्रिप्स, फॉरेन ट्रिप्स जो हमको टूर पे लेके जाता है। सबसे पहले जब हम डीडी हो गए थे तो हमको दिल्ली 4 दिन के लिए लेके गए, होटल ताज में इन्होंने रखा, रॉयल ट्रीटमेंट हमको मिला वहां पर। उसके बाद पिछले साल हमको बैंकॉक लेकर गए हैं लोगों ने। बैंकॉक में तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट हम लोगों को मिला, हमारे साथ और भी काफी सक्सेसफुल लोग थे, वीवीआईपी राजा महाराजा लोगों की जैसे हमको वहां पर रखा गया, जरा सी भी हमको तकलीफ होने नहीं दी उन्होंने। इतना ही नहीं, हमको खर्च करने के लिए 12-13 हजार रुपए हमारे हाथ में रख दिए उन्होंने। ये कौन सी कंपनी आपको करेगी, ये कौन सी कंपनी आपको रिवॉर्ड देगी? इस बिजनेस में जो आप सपने देखते हैं वो तो साकार हो ही जाएंगे, मगर जो सपने आपने नहीं देखे वो सपने भी साकार हो जाएंगे। मुझे वर्ल्ड टूर का शौक था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे बैंकॉक जाने मिलेगा। बैंकॉक में हमको मिला जाने के लिए, बैंकॉक में हमको जो खाना वगैरह वो लोग रखते थे, यहां से लेके वहां तक के लाइन होती थी खाने के लिए, अलग अलग डिलीशियस फूड वहां पर होता था। मैं और नासी जब शुरू करते थे वहां से यहां आने तक के पेट भर जाता था। फिर देखते थे, अरे भाई यहां पर तो बहुत कुछ था, ये तो खाया ही नहीं हमने। दूसरी बार कहने सोचने लगे कि ठीक है थोड़ा थोड़ा खाएंगे हम तो वहां तक पहुंच जाएंगे। दूसरे दिन फिर स्टार्ट किए हमने, वहां से तो यहां तक पहुंच गए, पेट भर गया। तीसरी बार हमने सोचा कि मैं वहां से शुरू करती हूं, तुम वहां से शुरू कर दो। पूरा खाने का मजा लिए हमों ने वहां पर। वहां पर जो सी फूड ला के उन लोग सामने रखते थे, मछली अगर सामने होती थी बहुत अच्छी तरह से पकाई भी होती थी, तो मैं नासिर से कहती थी ये मछली हमारे लिए ही पैदा हुई है, हम मुंबई से कोल्हापुर से आए उसको यहां पर खाने के लिए। कहां समंदर में बैंकॉक के उसको पकड़ा गया और कहां हम कोल्हापुर से वहां पर आए। कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, मगर यहां पर है दाने दाने पे लिखा है एमवे वालों का नाम। तो बस बिजनेस को सबर में से काम आपको लेना होगा। यहां पर काफी नए लोग आए होंगे, सोच रहे होगा कि मैं क्या बोल रही हूं। आपसे सिर्फ यही एक कहूंगी कि एमवे 42 इयर्स पुरानी कंपनी है, नई नहीं है, 42 साल का एक्सपीरियंस है, 90 देशों में गई हुई है, 90 कंट्रीज में गई हुई है। कोई भी एक कंपनी किसी एक या 2 कंट्रीज को बेवकूफ बना सकती है, 90 कंट्रीज को बेवकूफ नहीं बना सकती। आज नेटवर्क मार्केटिंग में इन इंडिया एमवे इज द बेस्ट कंपनी, एमवे इज द बेस्ट कंपनी। इसको कंपेयर करने के लिए कोई नई कंपनी यहां पर आई हुई है। पहले साल 1998 में आप इस बिजनेस में नहीं थे जब कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ हो गया था। दूसरे साल में भी आप इस बिजनेस में नहीं रहे तो कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ हो गया। तीसरे साल भी आप इस बिजनेस में नहीं है तो कंपनी का टर्नओवर 550 करोड़ हो गया है। आप इस बिजनेस में रहो या ना रहो, कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो आपको, आपके बच्चों को। जब आप और आपके बच्चे एमवे के सक्सेसफुल लोगों की लाइफस्टाइल देखेंगे तो कहेंगे कि यह हमारी बदकिस्मती है जो हमने एमवे को नहीं अपनाया, इट इज अ बैड लक। आपकी तकदीर आपकी मुट्ठी में है। लोग गलतियां करते हैं और अपनी तकदीर को कोसते हैं।
आप ऐसा ना करो, ऐसी नौबत आने मत दो। आज आपका बिजनेस, आपका जॉब सिक्योर नहीं है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहेगा, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है, कैसे आप सोच सकते हैं? यही वो एमवे बिजनेस है जो आपको सिक्योरिटी देगा, फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। समझने की कोशिश कीजिए इस बिजनेस को। ये ब्रिट सिस्टम जो है वही आपको सिखाएगा कि बिजनेस कैसे की जाती है। बिल ब्रिट ने अपने सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस इस बिजनेस को किस तरह से किया जाता है इस ब्रिट सिस्टम में डाला है, और जो उन्होंने हमको सिखाया है कि शॉर्टकट रास्ता कैसा होता है कामयाबी का, जिसको हमको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। जब कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, कामयाबी की तरफ बढ़ता है, लोग उसको नीचे खींचते हैं। इसको आप खेकड़ा सिस्टम भी कह सकते हैं। खेकड़े देखेंगे, क्रैब्स देखे हैं आप लोगों ने, यहाँ पर क्रैब एक खेकड़ा ऊपर चला कि दूसरा उसको नीचे खींचता है। मगर हमारे बिजनेस में कोई कबड्डी का खेल नहीं होता, कोई खेकड़ा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ ये ब्रिट सिस्टम है जिससे आपको कामयाबी मिलेगी। ब्रिट सिस्टम में क्या करते हैं, अपलाइन जो है वो डाउनलाइन को ऊपर खींचती है, ऊपर खींचती है, ऊपर खींचती है, कामयाबी की तरफ खींचती है। खुद भी कामयाब होते हैं और दूसरों को लेकर कामयाब होते हैं। एमवे बिजनेस में एक सेइंग है, हेल्प अदर्स हेल्प योरसेल्फ। जब आप दूसरों की मदद करोगे तब आपकी खुद की मदद हो जाएगी। ये एक नॉन करप्ट और ऑनेस्ट बिजनेस है। इससे आपको एक हलाल कमाई मिलेगी जो आपको मिलेगी, आपके आपको आपकी औलाद को मिलेगी और उनकी आने वाली औलाद को मिलेगी। आप चाहे इस दुनिया में रहो या न रहो, ये ऑन गोइंग इनकम यहाँ पर मिलती है। तो इस बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए, ये बिजनेस आपको कहां से कहां ले जाएगा। और इंडिया में तो हैवॉक कर रहा है, बहुत जोरों में चला हुआ है इंडिया में। इंडिया आज पूरे दुनिया में एमवे के बिजनेस में चौथे नंबर पे है, लेकिन बहुत ही जल्दी पहले नंबर पे आने वाली है। बिकॉज वी इंडियन आर सुपीरियर इन द वर्ल्ड। हमको बहुत गर्व है कि हम ये बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं, हम इंडियन हैं और हमको ये मौका मिल रहा है कि इस बिजनेस को हम इंडिया में कर सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी सारी अपलाइन की जो हम जिन्होंने हमको कामयाब बनाया है। हमारे डबल डायमंड है जॉन एंड जेनी बिलक्रो, जिम डूसेग, जॉन पिकर अली, बलदेव तनेजा, और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मेरी पर्सनल अपलाइन जो है नासिर की, नासिर काजी की, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस बिजनेस को कर सकूं, मुझे किचन से निकाल कर इस ब्रिट स्टेज पर लेकर आया गया। इसलिए आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट एंड आई वेलकम नासिर वंस अगेन ऑन द स्टेज। थैंक यू। ओके, समझा हमारे कामयाबी का राज। टाइम आता है मेरी स्टोरी बताने का। और दो लोगों का कुछ ड्रीम था, दो लोगों का कुछ लाइफ के लिए कुछ मकसद था, कुछ पर्पस था। दो लोगों ने लाइफ में कुछ डिसाइड किए थे, कुछ डिसीजन लिए थे, इसीलिए मैं पैदा हो गया। मेरे माँ बाप, मेरी मम्मी और मेरे पापा ट्रिमेंडस कपल, बहुत कुछ अच्छी चीजें सिखाए हमको लाइफ में, बहुत खुद ने सहा है, बहुत तकलीफें उठाई है। मेरे बैड फाइनेंशियल पैच के टाइम पे उन्होंने बहुत हमको सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे जन्म दिया 1959 में। मैं एमवे के लिए जन्मा हूं और एमवे मेरे लिए जन्मी है। एमवे भी 1959 में ही जन्मी है। आप लोगों मेरी उम्र का पता लग गया है, बाहर किसी को बोलना नहीं। मां बाप ने और एक अच्छी चीज की, हम कोकण में रहते जहां इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थी, हमको कोल्हापुर लेके आए, घर बनाया। मेरे डैडी शिप पे काम करते थे और मेरी मां तो हाउसवाइफ थी। तो पापा हमारे 6 महीने जहाज पे, 6 महीने पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है। कोकण के बहुत सारे लोग जहाज पे काम करते हैं, मुश्किल काम है लेकिन नो अल्टरनेटिव। कोल्हापुर में एजुकेशन हुआ, इंग्लिश मीडियम सेंट जेवियर्स हाई स्कूल कोल्हापुर, जहाँ पे बहुत अच्छे मॉरल्स हम पे डाले गए। कॉन्वेंट स्कूल था और क्रिश्चियन मिशनरीज चलाते थे, लेकिन बहुत सही चीजें हमको सिखाई गई। और 11th वहां से पास किया मैंने SSC बोर्ड, थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि मुझे कोल्हापुर लेके वहां पे पढ़ने लगा। और जैसे मैं 10th स्टैंडर्ड, देखो जब आदमी 15-16 साल का होता है ना, 15-16 साल का,
तब वो कुछ सपने देखना शुरू करता है। उसी तरह से जब मैं 15-16 साल का हो गया, दोस्तों के घर आना जाना शुरू हो गया और पता चलने लगा कि मेरे दोस्त बहुत पैसे वाले हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, ये अच्छी चीज है, क्योंकि ड्रीम्स बढ़ने लगे। मुझे समझने लगी ये क्यों पैसे वाले, इनके पास इतना क्यों है, और मैं भी अपने सपने बनाने लगा। और एक चीज समझा जब एसएससी हो गया कि नौकरी करके कुछ फायदा नहीं है, करना है तो जॉब ही करना है, सॉरी जॉब नहीं करना है, करना है तो बिजनेस ही करना है, कि जो बिजनेस कर रहे वो कामयाब है। तो बिजनेस शुरू कर दिया, क्या किया, फोटोग्राफी करने लगा, कुछ छोटा मोटा काम करना पॉकेट मनी के लिए, पैसे कमाने के लिए। लेकिन एक दिमाग में आ गया कि पढ़ने का क्या, अभी मेरी अपलाइन तो मेरे साथ नहीं, मेरे डैडी वो जहाज पे, हमारे खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई वकील नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, कुछ नहीं, गाइडेंस देगा भी तो कौन देगा। तो आजू बाजू में जितना लोग क्या कर रहे थे, मेरे बिजनेस वाले जितने दोस्त थे सब लोगों ने बीकॉम शुरू कर, बीकॉम एडमिशन ले लिया। मुझे समझा कि बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, इसमें बिजनेस करने के कुछ तरीके सिखाएंगे, इसलिए मैं भी बीकॉम शुरू कर दिया। बीकॉम पूरा हो गया, उस टाइम पे मैं गुजरात से स्कूटर लेके आता था, चेतक, एक स्कूटर लेके आता था, 500-700 रुपए मिलता था, फिर दूसरी लेके आता था पॉकेट मनी के लिए। आई वाज ऑलवेज एंटरप्राइजिंग, मैं ड्रीमर बन गया था, बन चुका था ये लोगों माहौल देख के। तो मैं दोस्तों को बोला मैं बंबई जा रहा हूं, और बंबई गया पढ़ने के लिए एमबीए, किसी ने बताया मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेरी खुद की इंडस्ट्री होगी, वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने का मुझे सीखने मिलेगा, इसलिए मां बाप की इच्छा थी कि मैं पढ़ू, तो वही चीज पढ़ता गया जो आगे बिजनेस में काम आएगी, अपनी समझ से, अपनी सोच से। लेकिन आदमी अपनी समझ से अपनी सोच से करता है ना, बहुत बार गलत चीज कर देता है। बंबई गया, एमबीए को एडमिशन नहीं मिला, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और वहां पे 80, 81, 82 में मैं एलएलबी का कोर्स पूरा किया। चुप नहीं बैठा, पेपर में ऐड देखता था, और एक ऐड आ गई, होटल ओबराय टावर्स वांटेड फ्रंट ऑफिस कैशियर्स। था तो गांव का, सेल्फ इमेज भी जरा सी पुअर ही थी, लेकिन मालूम नहीं क्या हो गया मैं सिलेक्ट हो गया, और फ्रंट ऑफिस कैशियर में जॉब करने लगा। फाइव स्टार होटल में कभी कैशियर का जॉब ने देखे तो दुनिया भर के लोग वहां आते हैं, लेकिन अच्छे विनम्र रहते हैं, हम्बल रहते हैं, पैसे वाले रहते हैं। उस होटल में जो काम किया वो मेरे लिए जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देखो वहां पे मैंने देखा कि लोग एक हस्बैंड एक वाइफ दो बच्चे खाना खाने को आते हैं, 3-4 हजार का एक टाइम का खाते हैं। मैं बोला मेरी मां का पूरे साल का खर्चा 3-4 हजार का है, ये क्या कर रहे हैं एक टाइम पे इतना खा रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लोग आके होटल रूम बुक करते थे। वहां पे 33rd फ्लोर पे एक सूट है, उस टाइम पे सबसे महंगा सूट था। तो ये मेरे सपनों को पावर दिया मुझे इस ओबराय के जॉब ने, बॉम्बे ने मेरे सपनों को ताकत दे दी कि यह क्या हो रहा है दुनिया में, तू कहां है, तेरे को भी यहां पहुंचना है, तू क्या कर रहा है। ताकत दे दी मेरे सपनों को, क्योंकि जिस तरह का माहौल होता है ना उस तरह से विचार हो जाते हैं आदमी के, मेरे साथ हुआ है। जिस तरह का एसोसिएशन होता है ना उस तरह का, तो मैं ड्रीमर तो बन चुका था, जिंदगी में कुछ ना कुछ करके ही मरना है, उसके सिवा मरना नहीं, डिसाइड कर चुका था मैं, और मुझे मालूम था कि ये बिजनेस से अचीव हो जाएगा। कोल्हापुर में आ गया वापस, और बिजनेस बिजनेस बिजनेस, वकीली करने का तो इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चीजें मैंने देखा, और जो चीज जिस जगह पे मैं करना चाहता था, मैं पैसा जमा करके वहां शुरू करने तक कोई और शुरू कर देता था। आइडियाज मेरी सही रहती थी, मैं अपने आप को हार्ड वर्किंग समझता हूं। और फिर साल डेढ़ साल घर में ही रह गया भाई साहब, वो दो साल जो गए वो सबसे बेकार दिन गए। जब आपका एजुकेशन पूरा हो जाता है और आप कुछ जॉब ढूंढ रहे हैं या कुछ बिजनेस देख रहे हैं, और जब रिश्तेदार दोस्त फ्रेंड्स आपको आके पूछते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, उससे बड़ा एम्बेरसिंग, उससे बड़ा तकलीफ देने वाली चीज कुछ नहीं थी। मेरी मां को लोग आके पूछने लगे, तुम्हारे बेटे की पढ़ाई हो गई? हाँ हो गई। अभी इसकी शादी कब कर रही हो? वो पैसे कब कमाने लगेगा? बहुत हर्ट होता था। मैं तो बिजनेस की तलाश में था, मुझे मालूम था कुछ ना कुछ बिजनेस करना है, लेकिन ये बहुत आपके साथ हुआ है कि एजुकेशन पूरा करने के बाद 1-2 साल बेकार गए हैं? किसके साथ हुआ है, हाथ ऊपर कीजिए। सेम हुआ है ना आपके साथ, बहुत सब सबके साथ हुआ है। तो इसीलिए मैंने वकीली शुरू कर दी कोल्हापुर में।
और वकीली शुरू की। कोल्हापुर में 10-11 साल वकीली की मैं। तो एक समझ में नहीं आता है एजुकेशन सिस्टम का इंडिया में कि ये आप डॉक्टर, कितने लोग डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, जरा हाथ ऊपर कीजिए, और इंजीनियर्स वाओ, और सीएस या प्रोफेशनल्स कुछ और लोग वो भी काफी सारे हैं। देखो हम लोग पढ़ते हैं, सीए किया या मेडिकल किया या वकीली किया, पूरा पढ़ लिया, तो फिर वापस जब कोर्ट में जाते हैं तो फिर सीखना क्यों पड़ना पड़ता है? एक बार एजुकेशन पूरा हो गया तो वापस सीखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए एडवाइस मिली कि किसी बड़े वकील के हाथ के नीचे काम करो, प्रैक्टिस। मैं, मुझे लगा मैं बहुत बड़े वकील के नीचे बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, 2-3 साल निकाला वहां पे, और फिर मैं सोचा नहीं अपना अपना ऑफिस मुझे खोलना है। मैंने खोल दिया ऑफिस अपना एक जगह पे, और बाजू में दोस्त एक दुकान था उसका, 3-4 महीने तक 6 महीने तक मैं रहता था, वो दुकानदार वो दोस्त मेरा चाय के ऑर्डर देके मेरे पास चाय बुला देता, चेक चाय रहती थी और दोस्त रहते था, सुबह 2 घंटा शाम को 2 घंटा, दिन भर कोर्ट में जाता था मैं, तो ऑफिस में मैं दोस्त 2-4 मक्खियां, कोई क्लाइंट आया ही नहीं 6 महीने। डॉक्टर्स लोगों के साथ ये हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ पे आप सीए आपके साथ हुआ ही नहीं हुआ है? दुनिया में कुछ भी चीज नई शुरू करने जाओ तो उसके लिए वेटिंग पीरियड होता है। आप नया होटल डालो ना, 2-3 साल पीरियड जाता है, सेटल हो, फिर पैसा आना शुरू हो जाता है। मुझे समझता नहीं, कुछ लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, पैसा डाल दिया अभी की अभी आ जाए। जो कमिटमेंट हम लोगों की हमारे प्रोफेशन की तरफ है, जॉब की तरफ है, वही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इस बिजनेस को देना जरूरी है। शॉर्ट टर्म मत देखो इस बिजनेस को, और 6 महीने के बाद धीरे धीरे पेशेंस, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी में ऑफिस जाते रहा, भले चाय पीता होगा लेकिन जाते रहा, आते रहा, और मैटर्स आने लगे। मेरे पास अभी भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जो एमवे का बिजनेस नहीं करते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, वो मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे पास से हर प्रोडक्ट्स एवरी टाइम लेके जाते हैं, नो प्रॉब्लम। लॉ करने के बाद 10 साल गया, तब तक मेरे डैडी के कुछ बिजनेसेस थे, हमने वीडियो कैसेट लाइब्रेरी थी हमारी एक, और कार्वी कंसल्टेंट का नाम आपने सुना होगा, शेयर्स में बहुत टॉप में है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूं, प्रोफेशनल अप्रोच क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत अच्छे अच्छे उनके साहब लोग थे, उनसे मैं सीखा हूं। तो उनका मैं फ्रेंचाइजी था, देखो हम लोग थे, तो डैडी बीमार होने के बाद मुझे कुछ बिजनेस में आना पड़ा, ये अपने बिजनेस संभालने पड़े, तो जो चीज इजीली बंद हो सकती है वो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि वो इजीली शुरू भी हो सकती है, मेरे पास ऑप्शन था, दुकान बंद कर दे क्योंकि पापा ने वहां कोई देखने के लिए नहीं है, या फिर वकीली बंद कर दे, तो मैं सोचा वकीली कभी भी बंद कर सकते हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं, तो दुकान में बैठना शुरू किया, और देखो मार्केट में कुछ भी चेंजेस हो सकती है भाई साहब, एक चेंज आपको नोवेयर कर सकती है, गुरूर आ गया और पता भी नहीं चला कि ऊपर वाले ने कभी हमको जमीन पर लटका दिया। केबल टीवी शुरू हो गई, हमको दुकान में हर वीडियो टेप बेचनी पड़ी 10 रुपए किलो में, शेयर्स के घोटाले होने लगे, मार्केट प्राइमरी मार्केट खत्म हो गया, हम प्राइमरी मार्केट ही करते और कुछ नहीं करते थे, उधर भी खत्म हो गया, और मैं उसको ऐसे पकड़ के बैठा था, इतना नाम है, इतना गुडविल है, ये चलेगा, ये बोलती थी मुझे फरजाना हमेशा, नासिर बंद कर दो, ये डिसीजन ले लो, इसमें कुछ नहीं, बंद कर दो, नहीं 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 हम थोड़ा पैसा और डालेंगे और डालेंगे और इंप्रूव हो जाएगा, इतना नाम कमा है आगे अच्छा चलेगा, मैं छोड़ने को तैयार नहीं था वो चीज, और वो 2-3 साल लगे सब कुछ बंद करने में, और उस 2-3 साल में 15-16 लाख का कर्जा सर पे आ गया। 37-38 टाइम की उम्र में जब आदमी रिटायरमेंट का सोचता है, मेरी बुरी हालत हो गई थी, 95 to 97 वॉज द वर्स्ट पैच इन माई लाइफ। मेरी बहन एक अमेरिका में थी, वो मुझे बार बार बोलती थी, बार बार, नाजिमा नाम है उसका, वो इस बिजनेस में नहीं है, लेकिन मैं सबसे अगर किसको इंपोर्टेंस दूंगा इस बिजनेस में मुझे आने के लिए, तो मेरी बहन नाजिमा को दूंगा, क्योंकि उसकी जिद, उसका परसिस्टेंस, वो मुझे अमेरिका लेके गई, और लेके भी कैसे गई, मैं तो नहीं जा रहा था, कोई आपने सोचा है आदमी सर्वे कर्जा और अमेरिका जा रहा है? ऊपर वाला मुझे खींच के लेके जा रहा था, वो उसको अगर आपको बिजनेस दिखाना है, वो आपको किसी भी जमीन पे, किसी भी देश में, कहीं भी लेके जाएगा और आपको ये बिजनेस दिखाता है ऊपर वाला। मुंबई में मुझे पकड़ी उसने और बोली वीजा का अप्लाई करो, वीजा मांगने गए तो देखा हॉल में किसी को वीजा नहीं मिला, सिर्फ मुझे वीजा मिला है, तो दिमाग
स्लाइटली थॉट आ गया। देखो जो दिमाग में थॉट आता है ना वो पॉजिटिव हो तो वही चीज हो जाती है। यूएसए में गया ढूंढते हुए कुछ, आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग, मैं ढूंढ रहा था कुछ चीज, बेबस हो गया था, थक गया था, बहुत नाराज हो गया था कि क्या हो गया, गलती हमसे क्यों ये हालत हो गई। मुझे और कुछ दुख नहीं है, मैं फरजाना हम कितना भी दुख उठा सकते हैं, हमको मालूम है बच्चे को हम अच्छा सिखा रहे हैं वो कुछ ना कुछ लाइफ में करेंगे। दुख इस बात का था कि अरे माँ बाप को मैं देखा नहीं जाता, उनके इतना बुरा लगता था उनको कि उनका बेटा अभी तक सेटल नहीं है, कर्जे से उनको बहुत डिफिकल्टी होती थी, लोग मांगने आते थे पैसे, मैं किसी के पास मांगने जाता था तो करीबी लोग बोलते थे ये बैंक्रप्ट हो गया है। लेकिन उसमें भी कुछ दोस्त, कुछ फ्रेंड्स, कुछ वेल विशर्स, मैं नाम भी ले सकता हूं लेकिन आज नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ऐसे निकले जिन पे मुझे भरोसा था, उन्होंने मुझे हेल्प किया, कभी वापस नहीं मांगे पैसे। अगर 90 लोगों ने मेरे मजाक उड़ाई बैंक्रप्सी पे या कर्जे के ऊपर, 10 लोग थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया। आप समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। यूएसए में गया, बहुत सारी चीजें थी, कुछ ज्वेलरी लेके गया था। आपको मालूम है कोल्हापुर किस चीज के लिए फेमस है? हाँ, चप्पल। तो चप्पल भी लेके गया था। मैं सोचा मैं इतना होशियार आदमी हूं, अमेरिका में करोड़ दो करोड़ का चप्पल बेच के आ जाऊंगा, लेकिन वहां का सिस्टम कुछ अलग ही था भाई। जैसे आप नए नए आते हैं ना, ये ब्रिट सिस्टम आपको अलग लगता है, अलग लगने दो, जो लगता है वो सही है। वहां पे कुछ सिस्टम अलग है बाइंग का। कुछ नहीं हुआ, ज्वेलरी लेके कोल्हापुर चांदी के लिए भी फेमस है, कुछ ज्वेलरी लेके गया था, उसके लिए भी मार्केट नहीं मिला। इसी टाइम पे मैं एक बहुत बड़े सिंगर को जानता हूं, उनका प्रोग्राम था न्यूयॉर्क में, वो बम्बे में मिला था उनको मैं, और वो बोले थे आप आ जाओ न्यूयॉर्क में, तो वो मैं उनको बहुत बड़ा फैन हूं, पंकज उदास है वो, तो कहीं से भी मैं ये करके वो न्यूयॉर्क गया उनका शो देखने के लिए, उनसे मिला, उनके लोगों से मिला। ये उम्मीद थी कि उनका भी फ्रेंड सर्कल बहुत है, कुछ ना कुछ चांस मिल जाए, कुछ पहचान तो बहुत लोगों से हुई लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए ताकि हम बिजनेस कुछ इंडिया में मिल जाए या वहां पे कुछ मिल जाए। वापस आते टाइम ट्रेन में कोई लोग बात कर रहे थे, मुझे बहुत सेल्फ इमेज का प्रॉब्लम था, मैं किसी बात नहीं कर सकता, किसी ने मुझे बात की, मुझसे भी बात नहीं किया। एमवे कुछ बात उनसे मुझसे सुना मैंने, इंडिया एमवे समथिंग लाइक दैट। तो कान पूरे उधर थे, क्या बोल रहा है। और इतना समझ में आया कोई कंपनी एमवे नाम की इंडिया जा रही है, मुझे एमवे का प्लान मालूम नहीं था। एक समझा कि अगर कोई बड़ी कंपनी इंडिया जा रही है तो उस टाइम पे उसके ट्रक का कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे मिल सकता है, उसके कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे मिल सकता है, एक अपॉर्चुनिटी तो जरूर हो सकती है जो मैं ढूंढ रहा था। घर पे आया, इंटरनेट के ऊपर एमवे लिखा और पता उसका एड्रेस ढूंढने की कोशिश की, इंडियन स्टाइल में सेटिंग करते हैं ना, और पता चला कि ये रोड है जिस रोड पे मैं रह रहा था, मेरे बहन का घर था उसी रोड पे, 16 मील के ऊपर एडा मिशिगन में एमवे कॉर्पोरेशन कंपनी है। 2 महीने मुझे किसी ने प्रोस्पेक्ट भी नहीं किया एमवे कंपनी से 16 किलोमीटर दूर रहने के बावजूद, और लोग कहते हैं सबको मालूम हो गया बिजनेस, अभी कोई नहीं करने वाला है। पता है एमवे में गया तो वहां की सिस्टम कुछ अलग ही, कोई किसको मिलता ही नहीं है, क्या काम है पहले पूछते हैं, सॉरी कम विद अपॉइंटमेंट, गो होम, घर भेज दिया। फिर अपना इंडियन स्टाइल में थोड़ा सेटिंग किया, कोई सेटिंग पहचान निकाला, और फिर एक लेडी को मिला वहां पे, बोला आप लोग इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, आई हैव गॉट ग्रेट इन्फ्लुएंस, मैं क्या कर सकता हूं, मैं आप मेरे को कुछ कॉन्टैक्ट दे दो, मेरे को ये दे दो। बोले ऐसे नहीं है, हमारा बिजनेस अलग है, आपको स्पॉन्सर की जरूरत लगेगी, तो बोला स्पॉन्सर दे दो मुझे एक। तो उन्होंने कहा कि सॉरी ये स्पॉन्सर आपको ही ढूंढना है। अरे बोला मैं आपका बिजनेस बहुत अच्छा करने वाला हूं, सब वहां कुछ प्रोडक्ट बेस लगे हुए थे, कुछ क्या है कुछ मालूम नहीं। तो बोली नहीं हम स्पॉन्सर नहीं, ब्रीफली बता दी उसने एकदम कि ऐसा बिजनेस होता है, हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं करते हैं, आप भले मेरे पास आए हम डायरेक्टली आपको डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं कर सकते, आपको आपका स्पॉन्सर खुद ढूंढना पड़ेगा। तब भी पता चल गया कि यह कंपनी कुछ वसूलों पे, कुछ प्रिंसिपल्स पे, कुछ ईमानदारी पे खड़ी हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट जो मेरे दिमाग में आ गया, सब दोस्तों को बोल चुका, कुछ लोगों के फोन आए भी, लेकिन कुछ बात मालूम नहीं क्या, दूर दूर से 2000-3000 किलोमीटर से
जितने लोग कांटेक्ट में थे सबको बोला था कि हम मैं एमवे का मुझे देखने का मुझे करना है, कोई हो तो बोलो आपके करने वाला। फिर एक आध दोस्त पहचान का था उसको उसने किसी को बता दिया और उसने किसी को बता दिया और 1600 मील दूर से मैं शिकागो नजदीक था और ये वॉशिंगटन के पास मेरीलैंड से एक फोन आता है। वो आवाज में ही कुछ मिठास, वो आवाज में ही कुछ ऐसा कि वो ऊपर वाले ने उनको इस दुनिया में कुछ ना कुछ दे के भेजा है। डॉक्टर बलदेव तनेजा की आवाज थी। और फिर मैं जिस तरह से उन्होंने मुझसे बात की, मैं फोन पे भी तंग किया उनको, ये ऐसा क्यों है? मैं जाके वो स्पॉन्सर नहीं क्यों बोलते हैं, मैं तो काम करने होता, मुझे बताओ तो सही क्या है वो, ये कैसा करेगा? मैं बोला पूरे इंडिया की डीलरशिप मुझे मिल जाएगी ना। उन्होंने कहा मेरे पास 3 महीने आपको रहना पड़ेगा। अच्छा, वो मेरी बहन जो थी वहां ना किसी जॉब करने देती थी, इलीगल चीज नहीं करना, यहां पे गलत चीज नहीं करना। ओके, बलदेव जी के पास गया, वो रेलवे स्टेशन था, मैं पर्पल कलर का टी शर्ट पहना था, व्हाइट कलर की व्हाइट एश कलर की पैंट पहना था। ट्रेन से गया, जाने के लिए पैसे नहीं थे, और हम लोग ऐसे जिंदगी जीते हैं कि कर्जा लेने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। अमेरिका भी मेरे दोस्त के पास से कर्जा लिया था मैंने, और दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था। और जब इनसे मिला पहले दिन ही मुझे उन्होंने एक ओपन मीटिंग लेके गए, मैं 2-3 ओपन मीटिंग अटेंड किया, और एक दिन मेरे जे बोले कि हमको स्पेशल आदमी को मिलना है। उससे पहले मैंने कुछ वीडियोस देख चुका था, और उससे पहले उन्होंने मुझे लेके गए जॉन क्रो के पास। जब उस रूम में गया तो पूरा अंधेरा था, कुछ वीडियो चल रहा था, और वो आदमी बोल रहा था कि मैं प्लान दिखाता हूं, कोई साइन नहीं होता है, कोई साइन नहीं होता है तो मैं वापस आता हूं, अपनी बीमार बेटी को देखता हूं, फिर जोश आता है, फिर जाके प्लान दिखाता हूं, फिर कभी डिमोटिवेट हो जाता हूं। ये बातें उसकी, मुझे भी रोना आया देख के। और जब वो फिल्म खत्म हो गई, सामने एक फरिश्ते जैसा आदमी बैठा था, जॉन क्रो। मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या कहा, मुझे मालूम नहीं मैंने क्या कहा, लेकिन मैं तो बात नहीं, मुझे लगा कि उनके बदन से कुछ किरणें निकली है जो मेरे ऊपर गिर रही है और मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। और ये सब होने के बाद वहां पे मैं क्या देखा, एमवे प्लान क्वेश्चंस तो बहुत थे। बलदेव तनेजा जी को रात भर सोने नहीं दिया मैं, बोर्ड लेके बैठते थे बलदेव जी और मैं, ये ऐसा क्यों है, ये प्लान में ये क्यों, इंडिया में ये नहीं चलेगा, ये चेंज करना चाहिए, बोलो कंपनी को। खुद को बहुत इंटेलिजेंस है, वकील आदमी, ये ऐसा क्यों है, बहुत हैरास किया। लेकिन वो संयम से कूलली मुझे सब सवाल जवाब दिए, सब लिख के जवाब दिए, पेन एंड पेपर पे लिख के जवाब दिए, ताकि वो मैं वापस इंडिया में लेके आ सकूं। वहां पे मिला मुझे प्यार, जिस अमेरिका में रिश्तेदारों ने फोन रिप्लाई नहीं दिए कुछ। मैं न्यूयॉर्क में स्ट्रैंड हो गया था, रास्ता मिस हो गया था, और एक जाने जो बातें हैं वो, उस अमेरिका में जब मैं यहां पे अनजान आदमी अपने को अपने घर में रख के लेता है और मुझे सबसे मिलाता है, जॉन पिकरेली, मेरी जन पिकरेली आते है, नासिर वाओ यू आर गुड यू कैन डू इट। जब कोई खंधे पे हाथ मारता है, कोई लड़की वहां आके भाई बोलती है मारता जैसी लड़की, और जिम डुसेक और क्लेयर डुसेक आके प्यार करते हैं, और जॉन क्रो से मुलाकात होती है, बहुत सारे लोग अपना समझते हैं किसी अनजान आदमी को, और वहां पे मेरी दोस्ती हुई अरुण ठाकुर जैसे एक बहुत ही अच्छे इंसान से, जिनका आज एमवे बिजनेस पूरे इंडिया में फैला हुआ है। बस वो देख के मैंने बिजनेस किया और ये डिसाइड किया, इन लोगों को दिखाऊंगा कि मैं उन्हीं में का हूं, और उनका नाम इंडिया में रोशन करूंगा। वो देख के बिजनेस हमने शुरू किया, इंडिया में बिजनेस शुरू हो गया, और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई यहां पे। फरदान ने बहुत सारी कवर की, पहले महीने में सिल्वर हो गए, मालूम नहीं शुरू में क्या होता है, मालूम लोगों को मालूम ही नहीं वो बिजनेस में क्यों आ रहे, और ये भी मालूम नहीं वो क्यों छोड़ के जा रहे, दोनों चीज नहीं मालूम। तो आप एक काम करो, आदमी को साइन करने से पहले कम से कम आप तो मालूम करो कि ये क्यों आ रहा है बिजनेस में। चैलेंजेस आई जरूर, लेकिन जॉन क्रो हमेशा कहते हैं द बिगर द स्ट्रगल द बिगर द सक्सेस। अगर स्ट्रगल नहीं है तो स्टोरी क्या बताओगे? अगर आप लोग कुछ स्ट्रगल में से जा रहे हो तो ये समझ लो कि ऊपर वाला आपको आपकी स्टोरी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बनाने के लिए तैयारी कर रहा है, आप भी सबसे ज्यादा कामयाब होने वाले हैं। जब स्ट्रगल टाइम था, जब मैं अपने आप पे जोर दिया, किताबें पढ़ी हमने,
बुक्स पढ़ी, जॉन पिकरली इंडिया में आए थे एक बार, और क्या किया, चार दिन रहे, कुछ नहीं, फॉलो थ्रू का ट्रेनिंग करके गए 40-50 लोगों को बस। अरे क्या आदमी है, अमेरिका से आते हैं 40, डाउन था बिजनेस, जाते ने पूछा जॉन हाउ कैन आई इंप्रूव। देखो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, कभी आप अपने अपलाइन को ये पूछ के देखो, मैंने ये तो कर लिया है, मैं अभी कहां सुधर सकता हूं, हाउ कैन आई इंप्रूव। आपका स्पॉन्सर तरस रहा है ये तीन लफ्ज आपसे सुनने के लिए, हाउ कैन आई इंप्रूव। फिर जैसे फ्लाइट चढ़ने वाले थे, एक आधे घंटे के बाद फोन बोलते, ओके नासिर नाउ आई एम गोइंग एंड मेक श्योर यू रीड सम बुक्स, आप थोड़ी किताबें पढ़ो। मेरा दिमाग ने काम किया, बोला मैं किताबें नहीं पढ़ रहा हूं, ये आदमी अमेरिका में बैठा, इसको कैसे मालूम। उसके बाद क्योंकि मुझे सबसे बड़ा चैलेंज था किताबें पढ़ना इस बिजनेस में, कभी किताब आखिर से शुरू करता था, कभी 20 के 2 पेजेस पढ़ता था जॉन पिकरले जाने के बाद, लेकिन पढ़ता जरूर था, नॉट रेगुलरली। मैं एक चीज बोल देता हूं, सब कुछ करे या ना करे, रीडिंग बुक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू पीपल। बुक्स अपने आप का एक आईना है, किताबों ने मुझे मैं दिखाया, मुझे मेरे को दिखाया, और फिर ठीक ठीक चीजें ठीक होने लगी। 7.5 महीने का टाइम ऐसा था जब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी को प्लान दिखाते थे साइन नहीं होता था, किसी के पास जाते थे, कुछ 4-5-6 जो लीडर्स बचे थे बाकी नहीं रहे कि हम टिके रहे। एक था इंद्रजीत कदम, वो मुझे प्लान दिखाता था, मैं उसको प्लान दिखाता, दोनों डिस्ट्रीब्यूटर थे। अगर आप टिक के रहे तो गारंटीड आप कामयाब हो सकते हैं। जब आपका बदन, आपका नाक, आपके कान, आपकी आंखें, आपका हृदय, आपका दिल, सब कोई बोलेंगे आपको भाई छोड़ दो, ये आपका काम नहीं है, ये बिजनेस आपसे नहीं होगा, सब कोई आपको बोलेंगे छोड़ दो, बस वही एक पल गुजार लेना और टिके रहना, क्योंकि जब आपको ये फीलिंग आएगी इसका मतलब है आगे कुछ तो बहुत अच्छा इस बिजनेस में आपको होने वाला है। हम सही टारगेट पे जा रहे हैं, क्या क्या मिला है, टेंशन फ्री लाइफ, कर्जा खत्म, गाड़ी आ गई। इस बिजनेस से बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हमको मिले। मुझे याद आ रही है कुछ चीज कि हमको सेमिनार्स है नहीं है बॉम्बे में मालूम ही नहीं था, हम सेमिनार्स जाना शुरू किए, और जब बड़े बड़े डायमंड्स, देखो एक दो चीजें इस बिजनेस में जो मेरे में एक थी कि 100% फेथ। हाँ आप बोल सकते हैं और सही भी है कि आपने अमेरिका देख के आए थे सब कुछ तो आपका बिलीफ लेवल होगा, हाँ पॉसिबल है, लेकिन मेरा फेथ 100% था, मुझे कभी शक नहीं था। जो बॉम्बे में मैं सेमिनार्स बड़े बड़े होते थे और ब्रिट के लीडर्स आते थे, कांतियन लता गाला, कांतियन हेमी गाला, मेरे हीरो जिनको बहुत चाहता हूं, कुमार एंड अंजलि शिवराम कृष्णन, ओके, और कुलीन एंड मीना देसाई है, राज एंड संगीता शाह है, मणिपाल रेणुका रेड्डी, इन सबके पास से हम ट्रेनिंग जाते थे, तो मैं कभी डाउट से स्टडी नहीं किया उनको, 100% फेथ रखा उन पे जो कुछ पढ़ा रहे पूरा के पूरा, क्योंकि ना मुझे खुद पे डाउट था, ना एमवे पे डाउट था, ना ब्रिट पे डाउट था, शंका थी ना अपलाइन पे थी, ना मेरे मां बाप पे थी, ना मेरे बच्चों पे थी। एक बात याद रखो कि भरोसा करना जरूरी है, जो दिमाग से आता है ना सोच वही हो जाता है, तो दिमाग में हमेशा फेथ रखो, विश्वास रखो। कोई आदमी ये नहीं बोल सकता है कि हां हां सब कुछ अच्छा है लेकिन, लेकिन बहुत बेकार शब्द है, हां बिजनेस तो अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट्स वो नहीं बोलता है, वो हां बोलता है, ये सब दिमाग में आ जाएगा। कभी डाउट नहीं करना, डाउट इज मोस्ट डेंजरस। आज आप यहां आए हो कुछ डिसीजन करके जाना है, कोई ना कोई डिसीजन करके जाना है आपको, हम लोगों ने यही किया, हर फंक्शन में गए कोई ना कोई डिसीजन करके आके और वो लिख के रखे हमने, कुछ भी करो डिसीजन, हर सेमिनार में एक डिसीजन जरूर करना आप, इससे आपकी बिलीफ लेवल, आपका फेथ लेवल बढ़ते जाएगा। ये बिजनेस में क्या क्या नहीं मिला है, ट्रिप्स तो क्या फरजाना ने बताई, अभी मुझे आदत ही लग गई है कि इधर भी बुफे लगा हुआ रहता है मैं पहले डेजर्ट से शुरू करता हूं, वो बैंकॉक में आदत लगी, उल्टी साइड से खाना शुरू करो, पहले स्वीट डिश खाता हूं फिर इधर से ऐसे खाते आता हूं। क्या ट्रिप थी बैंकॉक की, क्या धमाल किए वहां पे, क्या एंजॉय किए,
आप बयान नहीं कर सकते। मैं सोच ही रहा था वहां पे कि वहां पे दो चॉइस दिए गए थे हमको, या तो ऑफ टाइम पे, या तो बाहर घूमने जाओ, या होटल में रहो, हेल्थ क्लब में जाओ आप फ्री टाइम के लिए। तो मेरे दिमाग में फरदाना सो गई थी, मेरे दिमाग में आया यार कुमार शिवराम कृष्ण किधर होगा, क्या उसके पास थोड़ी देर बैठने मुझे मिलेगा क्या, थॉट प्रोसेस आ गया। और मैं गया स्विमिंग पूल के ऊपर, कोई नहीं था तो वहां प्रॉस्पेक्टिंग करना शुरू कर दिया। तो बैठा था इतने में कुमार अपनी बेटी को लेके स्विमिंग पूल पे आ गया और एक घंटा उसके साथ बिताया मैंने, कुमार शिवराम कृष्ण साथ। बहुत ट्रिमेंडस लीडर है वो, बहुत कुछ सीखा है उनके पास से हमने, मैं उसको अपना हीरो समझता हूं। ये आप बोलते हैं ना कैसेट्स नहीं सुनो, कैसेट्स नहीं सुनो, हिंदी कैसेट्स क्या करने के हैं, हमको इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी नहीं आता, होता है क्या? यहां पे बलदेव तरेजा अमेरिका से आए थे, उन्होंने बोले सब कैसेट सुनो, और कुमार कहते हो हर कैसेट मेरे पास थे कुमार शिवराम के, तो उनकी एक तमिल कैसेट निकली तो वो भी उन्होंने खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, लाया घर पे लगाया और सुनने लगा। अभी तमिल तो मुझे आता नहीं है, कुमार की आवाज बहुत मीठी है उसमें, तमिल बहुत अच्छी मीठी बोलते, तमिल में बोल रहे यन्ना गोडू 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 पिटर आइलैंड, समझ गया ये पिटर आइलैंड जाके आया अभी। फिर आगे बोलते हैं यन्ना गोडू गोडू बिल ब्रिट 40,000 फीट एरोप्लेन गुडू 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 40,000 फीट, समझ गया ये बिलबिट के साथ 40,000 फीट के ऊपर बिलबिट के प्लेन के बैठे हैं। आगे बोलते हैं बिलबिट इंडियन फूड रसम, समझ गया बिलबिट को साउथ इंडियन रसम खिला रहे हैं, क्या समझना। वो बोला ये बिलबिट साहब के साथ 40,000 फुट के ऊपर रसम खा रहे, इडली खा रहे, एक दिन ऐसा आएगा ना मैं 50,000 फीट उड़ने वाला प्लेन खरीदूंगा और बिलबिट को वहां बैठ के चिकन बिरयानी मेरे वाइफ के हाथ की खिलाऊंगा, ये मेरा ड्रीम हो गया। क्या कैसे तमिल, अगर नहीं आती है टेप नो डाउट, आपको जो देखो ब्रिट ने जो कुछ निकाला है इंडिया में वो 100-200 डायमंड्स ने सोच समझ के निकाला हुआ है। तो आप मुंह से जबान से बोलना भी कि मेरे को ये नहीं जमता, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये बात गलत रहेगी। सब सुन लो, अगर नहीं आती है तमिल, नहीं आता है तो मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास अभी भी तमिल टेप है, अभी ढूंढ रहा हूं कोई तमिल आदमी मिलता है क्या। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो क्या करना है, उसको बोलो इंग्लिश वाले को जिसको इंग्लिश आती है। बलदेव जी हमेशा हमको ये सिखाते हैं कि जिसको बोलो बलदेव, उस आदमी को जिसको इंग्लिश आता है, भाई ये टेप जरा सुन के बताओ कि क्या है इसमें। या फिर कोई कॉलेज जाने वाला लड़का लड़की हो उसको एक घंटे का 10 रुपए दे दो, उसको बोलो इंग्लिश टेप है, मुझे इंग्लिश नहीं आता, इसमें क्या लिखा है बताओ। रोज सुबह आएगी आपके घर पे 10 रुपए लेके जाए, बताएगा हाँ ये ऐसा ऐसा लिखा है, आप नोट्स दे लो। 8 दिन के बाद वो लड़का पूछेगा आप रोज 10 रुपए दे रहे हो और ये कैसेट ट्रांसलेट करके ले रहे हो, ये काय के बारे में है। तो बेटा उसको एक घंटा बैठो, दिखाओ प्लान, रुको वो तो साइन हो जाएगा। फिर अगले दिन दूसरे को इसी लड़के को पकड़ो, मुझे इंग्लिश नहीं आता है ये जरा बताओ। देखो हर नेगेटिव चीज को आप पॉजिटिव कर सकते हैं, जो कुछ नेगेटिव आपको लगता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना सीख जाओ, ये बिजनेस आपको लो मैजिक कर देगा। देखो भाई साहब कामयाबी की हर कीमत देनी पड़ती है, डू इट राइट नाउ, पे द फुल प्राइस ऑफ सक्सेस फ्रेंड्स, कामयाबी की पूरी कीमत दे दो, इसलिए क्योंकि नाकामयाबी की कीमत बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूं कि आप और हम लोग कामयाबी की कीमत दे दे पूरी की पूरी, नाकामयाबी की नहीं। नाकामयाबी की कीमत आप जानना चाहते हो, जब जानोगे तो आप सोचोगे तड़पोगे कि मैंने 2 साल पहले एमवे बिजनेस देखा था, पूरी प्राइस क्यों नहीं पे की मैंने, मैंने एसओटी क्यों नहीं किया, मैंने किताब क्यों नहीं पढ़े, मैंने फंक्शंस क्यों नहीं, तड़पोगे बाद में 2 साल के बाद। उससे बेहतर है जब लोग सब लोग अभी से पूरी कीमत दे दो, कुछ नींद कम हो जाए चलेगी, ये नहीं करते कि आप जॉब छोड़ दो, टीवी पेपर बंद कर दो, कुछ नहीं है उसमें निकाल के फेंक दो। यही समझ लोगों को समझाते समझाते हमारे 2-3 साल गए हैं। हमने जब बिजनेस शुरू किया बहुत चैलेंजेस थे, भूपेंद्र साहब मैं सही बोल रहा हूं, शुरू में बहुत चैलेंजेस थे, संजय जैन को भी मालूम है। अभी इतना आसान हो गया है, इतना आसान हो गया है, इतने एमरल्ड्स हो गए हैं इंडिया में,
इतने लीडर्स हो गए हैं, इन्होंने क्या किया है, सब कांटे निकाल दिए हैं और फूल बिछा दिए हैं, बस चलो भाई उसके ऊपर से। आप घर सोचो कि आपके ऊपर आपकी कितनी अप्लायंस इंडिया में है। बलदेव जी को मैं फोन करता था अमेरिका, बलदेव जी मुझे प्रॉब्लम है, मैं इंडिया से नासिर बोल रहा हूं, और फोन रख देता था। बस एक मिनट को 1.5 रुपए 2 रुपए लगते हैं अमेरिका फोन करने को, फिर वहां से बलदेव जी का फोन आता था, हाँ बोलो नासिर, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, मेरे को याद है एक बार 3 घंटे अमेरिका से फोन पे बात करते मुझे गाइडेंस दिया है, ये अपलाइन है, ये गुरु है, इनको आपका सक्सेस चाहिए। आपके पास कितने अपलाइन है सोचो। तो आपको पूरी कीमत देनी पड़ेगी भाई, 1 रुपया डाल के वो बटन, इसको लात मारो ऐसे तो अंदर से बॉटल नहीं आएगी। कामयाबी की पूरी कीमत देना, कितने लोग तैयार है कामयाबी की पूरी कीमत देने के लिए? फैंटास्टिक। क्यों? क्योंकि नाकामयाबी कीमत, मैं कह रहा था आपको, बहुत चैलेंजिंग है। नाकामयाबी की कीमत मत भरो आप, नाकामयाबी की कीमत आप जानना चाहते हो। वो जॉन क्रो और एक चीज कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं, U+U = limited, आप अधिक आप मर्यादित है, आप अधिक ईश्वर अमर्यादित है। U+God = unlimited, U+U = limited, सुनो सुनो पूरा सुनो। सो यू कीप ऑन गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग, तो आपके पास जो कुछ है आप देते जाओ देते जाओ देते जाओ, और वो देख के ऊपर वाला आपके लिए भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा। यही ये बिजनेस है, आप देते जाओ ऊपर वाला आपका तिजोरी भरते जाएगा भरते जाएगा। ब्रॉड माइंडेड, सबके लिए। आज प्रार्थना हुई यहां पे, कितना अच्छा लगा, सबके लिए प्रार्थना हुई। जब हम यूनाइटेड एक जगह पे सब साथ इकट्ठा प्रार्थना कर रहे हैं ऊपर वाले के पास, तो उसको हमारी प्रार्थना मंजूर करनी ही करनी है। ये यूनिटी का पावर है। तो भाई साहब कामयाबी की कीमत दे दो, नाकामयाबी की कीमत बहुत महंगी है। मैं बताना नहीं, मैं अवॉइड कर रहा था बताने के लिए, लेकिन बता ही देता हूं। नाकामयाबी की कीमत सोचो आप, गुजरात में भुज में भूचल हुआ है, वहां पे जिन लोगों के पास पैसे हैं वो जाके बड़े बड़े होटल में रह गए हैं, और देखो वहां पे एक मां, जवान मां, 3-4 महीने बेटे को, अपने बेटे को हाथ पे लेके 4 दिन से आधा लीटर दूध ढूंढ रही है, वो है नाकामयाबी। ओडिशा में पिछले बार बाढ़ आया था, वो हरिकेन आया था, क्या नाम था उसका, साइक्लोन आया था, क्या हुई थी हालत, देखो जिसका घरदार सब चला गया, रहने को मकान नहीं है, 2 बीवी बच्चों को लेके पेड़ के नीचे बैठा, उसको पूछो नाकामयाबी की कीमत क्या है। या उसको पूछो दिल्ली में, तो दिल्ली के सर्दी में रस्ते के ऊपर तड़प तड़प के सो रहा है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, वो ठंडे, वो सर्दी से ठंडी से वो सुबह तक जीने वाला नहीं है, उसको पूछो नाकामयाबी की कीमत क्या है। या उस बाप को पूछो जो अपने बेटे को सही कॉलेज में एडमिशन नहीं लेके दे सका, उसको पूछो नाकामयाबी की कीमत क्या है। या उस बाप को पूछो जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सक रहा है क्योंकि उसके पास उसको पैसा नहीं उसके पास। या उस मां को पूछो जो पेट में बच्चा लेके एक एक दवाखाने एक एक हॉस्पिटल में जा रही है, और वहां उसको बोल रहे हैं आप पहले 10,000 डिपॉजिट रखो तब आप हमकी डिलीवरी करेंगे। डिलीवरी तो रोक नहीं सकते किसी की, ये है नाकामयाबी कीमत। मैं बस यही चीज आपको बोलने आया हूं, आप सही बिजनेस में हो, सही लोगों के हाथों में हो, सही बिजनेस में सही कंपनी के साथ हो, कृपया कामयाबी की पूरी कीमत देना। थैंक यू वेरी मच। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of Amway Corporation. Purchase of this product is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support materials. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.